हर साइज में अलग अलग जगह पर चलता है। 6 इंच का जो है आपको डोना भी आएगा, 7 इंच का भी डोना आएगा, 8 इंच का भी डोना आएगा और 9 इंच का भी डोना आएगा। डाई की मशीन खरीदने वाले हैं, पेपर प्लेट क्रैंक मशीन, अगर डबल डाई की मशीन आप खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि उस मशीन में जो है कौन कौन सा आप प्रोडक्ट को जो है बना पाइएगा और कितने से कितने GSM तक उसमें पेपर लगेगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। देखिए डबल डाई में जो बनने वाला आइटम है वो मैं आइटम लिख कर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आइटम उसमें बनेगा। तो फर्स्ट में आता है डोना, ठीक है, फर्स्ट में आता है डोना। अब ये देखिए डोना जो होता है वो डोना आता है, डोना जिसको हम कटोरी बोलते हैं वो डोना आता है 4 इंच में, 4.5 इंच में और 5 इंच में, ये आपका डोना बन जाएगा। साथ ही साथ इस साइज में अगर आप प्लेट बनाना चाहते हैं तो ये आपका प्लेट भी बन जाएगा। अब ये डोना और प्लेट का सबसे छोटा आइटम का साइज आप जान लिए। अब आपको बगल में आप फोटो भी देख पा रहे हैं, मैं फ़ोटो के साथ भी आपको दिखाते जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आता है जो डोना प्लेट आता है, दूसरे नंबर पर वो आता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच और 9 इंच। ये हर साइज में अलग अलग जगह पर चलता है। 6 इंच का जो है आपको डोना भी आएगा, 7 इंच का भी डोना आएगा, 8 इंच का भी डोना आएगा और 9 इंच का भी डोना आएगा। उसके साथ इसका आप प्लेट भी बना सकते हैं। इसका जो है प्लेट मतलब 6 इंच का प्लेट भी आता है, 7 इंच का भी प्लेट आता है, 8 इंच का भी प्लेट आता है और 9 इंच का प्लेट आता है। ये कोर प्लेट हुआ, ये सब कोर प्लेट हुआ। आगे मैं कितना GSM का जो है इसमें लगेगा वो भी मैं बताऊँगा, अभी देखते चलिए। तो ये हो गया आपका, ये डोना था, ये डोना प्लेट और ये भी डोना प्लेट, ये साइज है। तो ये आपका डोना प्लेट इतना प्रकार का जो है निकलेगा, जो कि गोलगप्पा में, होटल में, ये सब में जो है चलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थाली के तरफ, थाली में कौन कौन सा आइटम आता है। तो थाली में पहले आता है सबसे पहले 11 इंच आता है, 12 इंच आता है, 13 इंच आता है और 14 इंच आता है। ये हो गया थाली का साइज, ये थाली का साइज है। अब थाली जो होता है वो कई तरीके का होता है, जैसे कि डायमंड होता है, उसके बाद रिंकल होता है, उसके बाद क्या होता है कि कोर थाली होता है, उसके बाद 4CP थाली होता है। इतना टाइप का जो है थाली होता है और साइज इस प्रकार का आता है। तो इसमें से जो आपका क्रैंक मशीन डबल डाई है उसमें से ये डायमंड बन जाएगा, ये कोर थाली बन जाएगा और 4CP बन जाएगा, लेकिन ये रिंकल नहीं बनेगा। रिंकल के लिए आपको हाइड्रोलिक नहीं तो हैंड प्रेस लेना होगा। रिंकल जो है ये डबल डाई क्रैंक मशीन में बनाना जो है वो संभव नहीं है। तो ये आपका थाली जो है ये हर टाइप में बन जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज GSM, GSM, अब GSM क्या होता है। तो देखिए अगर आप नहीं जानते कि GSM क्या होता है तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आप वीडियो जाके देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं कि GSM क्या होता है। नॉर्मली GSM का मतलब हुआ कि पेपर की थिकनेस, उसका मोटाई। पेपर जो आता है वो आता है 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM। ये पेपर का जो है अलग अलग थिकनेस में अलग अलग जो है इसका प्राइस होता है। तो बात किया जाए कि इसमें मशीन में कितने से कितने GSM तक आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं, तो इस मशीन में आप जो है 75 GSM से लेकर के और 300 GSM तक आप बना सकते हैं। इसमें बफर थाली जो आता है, बफर प्लेट, वो भी आप निर्माण कर सकते हैं इस डबल डाई के मशीन में। तो इतना तरीके का जो है वो आइटम आप इसमें बना सकते हैं, जिसका डेमो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें सारा आइटम तो संभव नहीं। इसमें सारा आइटम तो संभव नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं
डबल डाई के मशीन में रिंकल डिस्क जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसको छोड़ के सारा आइटम आप डबल डाई क्रैंक मशीन में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि डबल डाई क्रैंक मशीन में कितने प्रकार के जो है प्रोडक्ट को बना सकते हैं। आप अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होता है कि उस चीज़ के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट उसमें बन जाएगा। तो इसी तरीके का जानकारी के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जिनको इस टाइप के बिजनेस को जो है स्टार्टअप करनी है। और अगर आपको बेस्ट मशीनें चाहिए तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे डबल डाई की बेस्ट मशीन बनाई जाती है। साथ ही साथ अगर आपको हाइड्रोलिक मशीन या रिंकल प्लेट बनाने वाली मशीनें चाहिए या फुल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है आपको, तो एक बार यहाँ विजिट कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।